पिछले एक साल से ना मैं एक सुपर अट्रैक्टिव स्कीम में पैसे डाल रही थी, सोचा मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। हाँ तो जब मेरी बारी आई फंड उठाने की तो स्कीम चलाने वाले गायब। तू ये अट्रैक्टिव स्कीम्स का चक्कर छोड़ और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर। बात तो सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और हमने देखा कि पिछले मैच में सिमरन दिल बहादुर को मौका दिया गया था। बल्लेबाजी तो वो करती है, गेंदबाजी करती है, अच्छा ऑलराउंड ऑप्शन वहां पे आपको देती है, पर पिछले मैच में रनों की जो गति थी वो रोकने में उन्होंने मदद की टीम को और उस उन्होंने कंटिन्यू किया। ऑफ कोर्स सिमरन दिल बहादुर को आज हम देखेंगे खेलते हुए, वो एक अच्छा मूव था वेलोसिटी से आकांक्षा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दीप्ति शर्मा ने सिमरन को यूज किया था, मेरे को लग रहा था कि वो शायद उनको थोड़ा पहले ला सकती थी, बट नॉनदरलेस जब भी वो उनको लाई उन्होंने अच्छे चांसेस क्रिएट किए थे, एटलीस्ट थ्री टू फोर चांसेस उन्होंने अपनी बॉलिंग में क्रिएट किए थे, इरिस्पेक्टिव कि वो कैचेस लिए नहीं उन्होंने। बट आई थिंक वो एक, जैसे मैंने पहले बोला था कि इनके लिए एक एक्स फैक्टर है, बिकॉज ये ऑल इन ऑल एक कंप्लीट प्लेयर है। इनकी बैटिंग, इनकी बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग काफ़ी अच्छी है, जो हमने लास्ट मैच में देखा है, इन्होंने तीनों में काफ़ी अच्छा किया है। तो ये डेफिनेटली आज इनके लिए एक एक्स फैक्टर रहेगा इस फाइनल में। बट अगर वेलोसिटी को ये मुकाबला जीतना है तो अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हो तो इनकी फील्डिंग स्पॉट ऑन होनी चाहिए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये टॉस इन्होंने जीता है तो वो एडवांटेज लेने के लिए इनको एटलीस्ट 140-150 तक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा सुपरनोवास के खिलाड़ियों को। कितने पैसे चाहिए? पैसा नहीं, इज्जत। मोहल्ले के चिरकुट लौंडे हरा रहे हैं मैं फैंटेसी स्पोर्ट्स में। आप एक्सपर्ट हो, सिखाओ। सिखाऊंगा तो जाने दोगे? फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा। इस गेम में वित्तीय जोखिम के तत्व हैं और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।